ही। अरे देवा, चलिए जी करते हैं क्लास को शुरू। आज के लेक्चर में बेटा पढ़ने वाले हैं ट्रेस ऑफ मैट्राइसेस। उससे पहले आपको बता रहा हूं ना कि जेई का जो तैयारी होता है ना कैसा दिखता है। देखिए यहां पे ना बच्चे खड़े होते हैं, जनरली क्लास 11th में बच्चे ऐसा रहते हैं, और एक बच्चा इधर खड़ा है। उसको जेई, और जेई जो एग्जाम है थोड़ा टफ एग्जाम है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम है। तो मैं मान के चलता हूँ बेटा जेई इधर दिखता है, ये हमारे आईटी जी रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है ना कि उसको जेई यहां से ऐसा दिखता है, बिल्कुल एकदम ऐसा दिखता है। तो अब ये बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही मेहनत किए जा रहा है तो वो धीरे 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 लेवल को टच कर लेता है धीरे धीरे। लेकिन उसमें से कई सारे बच्चों वो करते हैं, 2-3 महीने ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं, इंस्टा पे बिता देते हैं सर। कुछ लोग तो अलग ही फेसबुक की दुनिया में जी रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब चला रहे हैं, तो कुछ बच्चे यहां तक आ जाते हैं टाइम बर्बाद कर करके कर करके। कुछ बच्चे को लोग पागल बना देते हैं, क्लास वाले पागल बना देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं है लेकिन बना देते हैं। और बच्चा भी बोलता है 2 महीना बाद, बोलेगा सर पढ़ाए कुछ नहीं, सर टाइम बर्बाद कर दिया मेरा इन्होंने। तो ऐसे सारे लोग ना एकदम मिलेंगे आपको। फिर जब ये बच्चा अचानक से जगता है, उसका नींद खुलता है, तब तो वो उसको जगता, अरे सर क्या कर दिया मैंने, मैं तो यहां पे पहुंच गया। अब यहां से उसको तैयारी कुछ ऐसा दिखता है, यहां से उसको जेई कुछ ऐसा दिखता है, बोलता है सर बड़ी टफ एग्जाम है जेई। और फिर बोलेगा कि सर जेई करा दो, 2 महीना में 2 मंथ में जेई करा दो सर। भैया 2 मंथ में जेई, जेई का प्रोफेसर नहीं करा सकता है, हम कहां से करा देंगे आपसे, तो टाइम तो आपने बर्बाद किया है। अब एक ही बार बोलेगा कि सर देखो मैं ना एकदम एसिम्प्टोट लेवल का तैयारी करने के लिए तैयार हूं, पढ़ाओ सर कितना पढ़ाओ गया, दिन रात जग के पढ़ूंगा। अब आपको मालूम है कि बेटा अगर यहाँ पे कोई बंदा तैयारी करना शुरू किया तो चढ़ने के बजाय उल्टा गिरेगा धड़धड़, पीछे ही लुढ़कते जाएगा। स्लोप तो देखो कर्व का कहाँ पहुंचेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि एकदम, और 1 महीना वाले होते हैं, इनको तो बोलते हैं सर इन्फिनिटी लेवल का तैयारी करूंगा मैं, मेरा देख लो ग्राफ यूं जाता है। तो बच्चे लोग का जो मोटिवेशन लेवल होता है ना वो एकदम स्टार्टिंग में यहां से तैयारी शुरू करते हैं और वो ऐसा जाते हैं, ऐसा धीरे 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 जाके एक्स एक्सिस में मिल जाते हैं। ये होता है तैयारी का लेवल, जो होना नहीं चाहिए, गिरने के बजाय धीरे 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 उठना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये सही है और ये गलत है। इसलिए देखो बीटो की जनता धीरे धीरे कम हो रही है, मालूम नहीं इनको क्यों कम किया जा रहा है। भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को, इनिशियली हमारे पास 50 बच्चे तक आते थे, 31 हो गए ग्रुप में भी, मेरे को मालूम नहीं लगा 50-60 के बच्चे ज्वाइन होंगे ना बीटू बैच में, करेंगे एक दिन फिल्टर आउट। एनीवे चलते हैं बेटा ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस को शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, केशव को छोड़कर किसी और बच्चे ने किया है, बताओ पहले। बेटा सर, मैंने आपको सेंड किया था लेकिन आपने देखा है। सवाल ये था, और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन करोगे तो सच में आपको मजा आएगा कि सर ये बढ़िया सवाल था। मुझे एक मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन पे सवाल पूछा और जबरदस्त सवाल पूछ दिया सर, बहुत जबरदस्त नहीं था लेकिन ठीक ठाक सा सवाल था। लीजिए बेटा शुरू करते हैं एक बार, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए सर, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे, ऑर्डर 100x100 एंड ए इज इक्वल टू ए आई जे, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आई डिवाइड बाई जे। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी मैट्रिक्स पढ़ोगे इसका एक स्टैंडर्ड सा फोटो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल छपा होना चाहिए। मैं एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं कि देखिए बेटा ये होते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पे आई और जे इनका बराबर होता है, लाइक A11, A22, A33, A44, ऐसे ही इनके डायगोनल ये आई एंड जे बराबर होते हैं। ऊपर वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला आप रीजन देख रहे हो, ये कोई बताएगा मुझे
आई और जे के बीच में रिलेशन क्या है, उस कैसा होता है? आई लेस देन जे होता है। एंड जो नीचे वाला एरिया होता है बेटा लोग, वो कैसा होता है? आई ग्रेटर देन जे का होता है सर। अब समझने वाली बात ये है कि सर आई अगर जे के बराबर हो गया, अब आई जे है कौन, क्या क्या है सर? आई जे तो बेटा नेचुरल नंबर है, थोड़ी अगर माइनस वन माइनस टू लिख दोगे ये तो एकदम प्योरली नेचुरल नंबर है, ये तो आप समझते ही हो खुद से। तो आप समझ कर देखो कि बेटा ऊपर में कोई नंबर है और नीचे में भी सेम नंबर है, मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करता हूं क्योंकि आई और जे बराबर होते हैं, तो ये आंसर तो हमेशा कट करके वन आएगा ना जी। हाँ जी बिल्कुल सर। अब वन का बॉक्स निकालोगे तो बेटा वन ही आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो क्वेश्चन अपने आप आपसे बोल रहा है कि देखो भैया डायगोनल पे वन है लिखो। अब बस सीखना आपको ये था, आई जे ग्रेटर लेस और इक्वल वाला पंगा था यहाँ पे। अब मैं एक ऐसा नंबर ले रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें आई लेस देन जे है, मतलब अगर आई का वैल्यू टू है तो जे टू से बड़ा होगा, लेट्स से कि थ्री है, इसका आंसर बेटा हमेशा ही जीरो पॉइंट समथिंग आएगा। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा आंसर हमेशा हमेशा ही जीरो से लेकर के वन के बीच में लाई करेगा, जीरो से लेकर के वन के बीच में लाई करेगा। आप देख लो, नेगेटिव हो सकता है नो डाउट, नेगेटिव हो सकता है नो डाउट। तो अगर मैं और प्रिसाइजली लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस वन से लेकर के वन के बीच में लाई करता है। करके देख लो आप, कोई नंबर ले लो, 100 divided by 1000 कर लो, ये भी 0.01 देके जाएगा आपको, देखा ही। तो इसका मतलब कि सर अगर मैं ऊपर वाले रीजन की बात करता हूं तो सर ये तो हमेशा ही आई जैसे छोटा है, आई ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो आंसर हमेशा ही 0 point something होगा, और जैसे ही 0 point something का बॉक्स निकालोगे आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हमेशा ही जीरो। अब मैं नीचे वाले की बात ही नहीं करूंगा, क्यों सर? क्योंकि बेटा नीचे वाला न्यूमरेटर जो है, आई जो है जैसे बड़ा है, अब ये आंसर कुछ भी आ सकता है। अगर मैं 4/2 लिया तो आंसर 2 आएगा, अगर मैं 6/2 लिया तो आंसर 3 आएगा। मतलब सर यहाँ वाले नंबर्स हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, केशव यहाँ पे 2-3 लिखा था बेटा ये गलत है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द नंबर्स कि सर ये एक्चुअल में इनका वैल्यू क्या होने वाला है, जितना हम बता सकते थे उतना आपको बता दिए, और इनफैक्ट आप भी उतना ही बताओगे कि सर ये 1 होगा और ये ऊपर वाले 0 होगा। तो हमें ये समझ में आया कि सर ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फील आ रही है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एक मिनट सर, आप क्या ऐसा बोल रहे हो ये कोई मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 100 तक जाएगा? 100 तक कैसे जाएगा सर? क्योंकि बेटा ऑर्डर 100 का, तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूं। ऊपर वाले एलिमेंट्स इनके 0 मिलेंगे आपको, ऊपर वाले एलिमेंट्स आपको 0 ही मिलेंगे, नीचे वाले एलिमेंट्स हम नहीं जानते सर क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी मिल सकता है सर, हम ध्यान ही नहीं दे रहे उधर। ये रहा सर आपका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे से पूछा जा रहा है, यहां से मेरा इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि ये जो है बेटा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सर जी। अगर ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बात दुनिया वाले लोअर ट्रायंगुलर की करें या अपर ट्रायंगुलर की करें, इनकी एक खूबसूरती जरूर होती है कि आप जब इनका डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट जब निकालोगे आप, तो आंसर हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एक मिनट सर, समझा नहीं, फिर से बताओ बेटा। मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स पड़ा है, अब मैं एक जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इधर है डी सी 0 ई एफ जी, ऐसा है ये एक अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर कुछ भी हो, मैं अगर इनका डिटरमिनेंट निकालने जाऊं तो बेटा ऐसा हो जाएगा ए 0 0 डी सी 0 ई एफ जी। अब आपको मालूम है कि सर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, आप अलोंग द फर्स्ट रो इसको सॉल्व करोगे क्योंकि 2 0 कंटेन कर रहा है। हां जी बिल्कुल, ए को पकड़ेंगे फिर सी जी
माइनस सॉरी नॉट सी माइनस जी सी जी माइनस एफ इंटू जीरो जीरो, बाकी मैं जीरो को ओपन ही नहीं करूंगा, फाइनली आंसर आ रहा है बेटा ए सी जी। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ही तो आ रहा है सर, इनका प्रोडक्ट ही तो हमारा आंसर आ रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। अब मैंने देखा कि सर इसका आंसर तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन आ रहा है, और कितने बार आएगा बेटा लोग, 100 टाइम्स। सो फाइनल आंसर इज, अरे एक को कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही तो आएगा सर, बिल्कुल आएगा। बात समझ में आई सारे बच्चों को? यस सर। एक खूबसूरत सम था, ऐसा नहीं था कि मतलब बोरिंग सा सवाल नहीं था, सवाल बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अगर मैं इस पे पूछूं कि बेटा सामने वाला सवाल क्या क्या कर सकता है, तो आज के जो टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक से भी यहां से सवाल पूछा जा सकता है, मर्जी उसकी है बेटा, कुछ भी करा देगा आपसे और कुछ नहीं। चलिए आज के लेक्चर में आते हैं, आज का लेक्चर है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस। हेडिंग डालेंगे सारे लोग ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस, जल्दी से लिखिए। इसमें ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जब जो पुराने क्वेश्चंस आते थे ना थोड़ा अच्छे लेवल के आते थे ट्रेस पे, और काफी आसान सा टॉपिक है। मैं पढ़ाऊंगा तो बोलोगे सर ये पढ़ाए ही क्यों आप, क्योंकि ये तो आप मुंह से बोल देते तो भी हम सीख जाते, सवाल तो कराना है ना बेटा। कितने लोगों ने नाम सुना है ट्रेस का, एक बार हैंड रेज कीजिए। परफेक्ट, एक बच्चा ने हैंड रेज किया, दो लोग किए, काफी सारे लोगों ने किया है। चलिए बताइए बेटा लोग, दिव्यांशु बताएगा, दिव्यांशु बेटा बताओ कि ट्रेस होता क्या है, बताइए ट्रेस क्या होता है बेटा। ड्राइंग में करते सर, पेंटिंग की। सॉरी केशव तुम बताओ। सर पता नहीं क्या होता है पर आज क्वेश्चन में पढ़ा था, मतलब आइडिया नहीं है आप लोगों को ट्रेस होता है क्या है, बस नाम वगैरह सुन लिया है या कहीं पे देख लिया है। अच्छा आपने, चलिए जी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्राइसिस में बेटा जो ट्रेस होता है सिंपल सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेस, एक मैट्रिक्स है लेट से ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी सम ऑफ इट्स डायगोनल्स। सर ये इतना आसान है कि सम ऑफ डायगोनल हो जाएगा, एग्जैक्टली सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा। अब कोई बच्चा मेरे से ये जिद नहीं करेगा कि सर डायगोनल कौन सा ले रहे हो, इधर वाला ले रहे हो कि इधर वाला ले रहे हो, भैया एक ही डायगोनल होता है, दो डायगोनल्स नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहेंगे तो कोई भी एक मैट्रिक्स बना लीजिए अपने मन से, लेट्स सी कि मैंने मैट्रिक्स बना दिया 1 2 0 0 3 4 5 6 9, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा बेटा लो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी बताइए 1 + 3 9 और आंसर इज 13। अब मैं पिछले वाला जो क्वेश्चन कराया आप लोगों को, सामने वाला पूछ देता कि ये नहीं बोलेगा कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये सीधा सीधा बोलता कि फाइंड ट्रेस ऑफ ए, आंसर 100 आ जाता, 100 सिंपल सर, एक से लेकर के 100 तक का सम निकाल दीजिए हो गया आंसर जी, बिल्कुल वही आ जाता। ये होता है ट्रेस। सर ट्रेस के प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जरा उनको लिखवा दे रहा हूं आप लिख लीजिए। सो कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, अच्छा ये प्रॉपर्टी में एक जगह आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, एक जगह हो सकता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझने वाली है कि क्योंकि सर मैं डायगोनल्स को, क्योंकि सर मैं डायगोनल का सम निकाल रहा हूं, तो मैट्रिक्स डायगोनल, डायगोनल अगर मैट्रिक्स में डायगोनल्स मिलेंगे तो ही तो, और डायगोनल मैट्रिक्स मिलता कब है बेटा, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के ही तो पार्ट्स है डायगोनल एंड ट्रायंगुलर सभी चीज। तो आप ये भी ध्यान देना कि ट्रेस ऑफ मैट्राइसेस
हम किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे क्योंकि उसी का डायगोनल होगा। अब मैं आपसे बात करूं बेटा, इसका डायगोनल बताओ, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 6 बताओ इसका डायगोनल, कोई बता पाएगा? जब इसके नहीं है सर, जब इसके डायगोनल ही नहीं है, जब इसके डायगोनल ही नहीं है तो सर इसका मैं ट्रेस निकाल लूंगा कहां से? सर डायगोनल क्यों नहीं है? नहीं, आपको ये भी नहीं समझ मेरा डायगोनल क्यों नहीं है? नहीं सर, देखो मैं ना ये गेस कर पा रहा हूँ कि देखो ये रहा डायगोनल, बन तो गया, आप बोलो सर डायगोनल नहीं है। बेटा ये A11 है और ये 1, 2 है, A21 है और A22 है, A31 है और A32 है। आप इसको डायगोनल लोगे? डायगोनल ऐसा थोड़ी होता है। डायगोनल का डेफिनेशन है बेटा IJ बराबर होना चाहिए, और इसमें कहां बराबर आ रहा है? एक जगह आया, दो जगह आया, तीसरा तो सर गायब हो गया, थर्ड रो है तो सर तीसरा भी तो होना चाहिए था, मिला ही नहीं वहां पे। तो इसलिए डायगोनल नहीं होता है, तो अगर डायगोनल नहीं है मैट्रिक्स तो हम उसका ट्रेस भी नहीं निकालते। या आप अपने आप समझ जाइएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस में पहला प्रॉपर्टी होता है कि अगर ट्रेस के अंदर कोई भी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, के इनटू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। देखो समझने वाली बहुत आसान चीज है बेटा, कि अगर मैं ट्रेस ऑफ ए में के का मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए कि कोई बच्चा आया और यहीं पे 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 + 2 × 3 + 2 × 9, आपने क्या किया, ट्रेस में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। और एक बच्चा बोल रहे कि तू क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहे है, सारे एलिमेंट 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना सबसे अच्छा। आंसर तो बेटा दोनों का ही सेम आ रहा है, देख लीजिए। और बहुत कॉमन सी बात है कि सर 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं, 1 + 3 × 1 + 3 + 9 फाइनली बनेगा तो यही। एग्जैक्टली, मीनिंग भी वही है कि ट्रेस के अंदर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है तो आप ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी लिख सकते हैं। अब समझने वाला बेसिक चीज क्या है वो देखिए बेटा, ट्रेस ऑफ, हम एक मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हैं। अभी थोड़ा रुकिए, समझिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आऊंगा मैं, पहले समझनी है, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। बेटा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये निकाल रहे हैं, सवाल क्या है कि फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपने सर बताया कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए वो कंफर्मेबल तो होना चाहिए, वो ए मैट्रिक्स जो ट्रेस के साथ बैठा है वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, देखो बेटा ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, आप दोनों को ऐड करोगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, लेट्स सी कि वो मैट्रिक्स सी बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर दिस इज ट्रेस ऑफ सी, मैं ये बोल सकता हूं कि सर सी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर सी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सर ए और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हम मैट्रिक्स में एडिशन तभी करते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये फंडा आप एनसीईआरटी में सीखा रहेगा सब लोगों ने, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हम लोग कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज नहीं। तो बेटा अगर इनका रिजल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आना है तो ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं लिख भी रहा हूं यहां पे, ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं क्यों लिखवा रहा हूं, तीसरा पॉइंट में आपको पता चलेगा। कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 3, रुक अभी, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। Trace of AB is equal to trace of A into trace of B.
अब बच्चा क्या समझ लेता है ना, वो समझिए। बच्चा बोलता है कि सर देखो, अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बेटा इसी पे जेई ने एमसीक्यू कर दिया, जेई ने इसी पे सवाल पूछ दिया था। सवाल क्या था मैं आपको बता रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? जस्ट टेल मी दिस। अरे मैंने एक मिनट, मैंने ये लोचा कर दिया है। ट्रेस ऑफ बी इंटू ए होता है, मैं अलग अलग कर दिया। हाँ जी, तो एक बच्चा बस यही बोल रहा है कि सर ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। सर ए बी का मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो या बी ए का मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो, दोनों बराबर होंगे और ऑब्वियसली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होगा ही। लेकिन क्या ए और बी को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है? नो सर। दिमाग लगाइए क्यों? क्योंकि सर ट्रेस ऑफ ए इंटू बी निकाल रहे हैं। Now the multiplication of A into B should be square matrix. क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा C. और क्योंकि मुझे C का ट्रेस निकालना है तो सर मेरे को C से, मेरे को A और B से क्या लेना देना, मेरा तो C square होना चाहिए। ऊपर वाले में भी C ही था, लेकिन अगर मेरे को C square matrix बनाना है तो बेटा A और B को square matrix ही होना पड़ेगा, क्योंकि इनका order एक square matrix होगा तो ही result में square matrix आने वाला है। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता है। बोलता है कि आप दो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हो। एग्जांपल के लिए आप 3x1 का मैट्रिक्स लीजिए। 3x1 का मतलब क्या होगा, एक आपने कॉलम मैट्रिक्स लिया है और आप एक रो मैट्रिक्स ले लो 1x3 का, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका रिजल्ट क्या होगा बेटा लोग, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है। तो फाइनली मेरा A इंटू बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या मैं A और B पे पर्टिकुलरली कमेंट कर सकता हूं क्या? ना, बिल्कुल नहीं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हियर A एंड B नीड नॉट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, बट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, A B and B A should be square matrix. अब जो जेई सवाल किया था बेटा लोग, वो मैं बता रहा हूं कि जेई सवाल पूछा क्या था। जेई ने सवाल पूछ दिया था, इफ नहीं ऐसा लिखते हैं, हाँ, if a trace of ab is equal to trace of ba, या if यहां से हटा देता हूं, trace of ab is equal to trace of ba if a and b are square matrices। यही सवाल था जेई के एमसीक्यू में आया था, बहुत पुराना सवाल है, लेकिन देखो कितना प्यार से ट्रेस के प्रॉपर्टी पे गेम खेल दिया उसने। और बच्चे लोग रट के जो गए ना, सर ए बी स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेस से डिफाइंड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, सही मार के आगे रहेंगे। लेकिन आप ये चीज को समझो कि मैंने ए और बी को प्रोडक्ट में कमेंट किया ही नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आंसर इज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट ये सवाल में भाई साहब ने अंग्रेजी को खास कर देते हुए इफ एंड ओनली इफ का वर्ड यूज किया है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, अब मैं इसको जरा हिंदी में बोल के दिखा रहा हूं, देखो आप खुद ही आंसर बता दोगे। सवाल बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होंगे अगर और सिर्फ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ही इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। ये बोल रहा है कि सिर्फ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो ही होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेटा गलत है कि सही है? गलत है। अगर किसी ने मान लो सवाल में इफ एंड ओनली इफ की जगह पे अगर ये इफ यूज किया रहता तो सर सही था।
बात ये है कि ये अब की बार इसका स्टेटमेंट चेंज है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ तो सही तो है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स प्रोडक्ट उनका स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइंड होगा सर ट्रेस, और दोनों में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा तो ये चीज पॉसिबल है, ये गारंटी नहीं है सर। तो इस वर्ड के चलते ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बात समझ में आया? मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे लोगों को कि मैं जाकर बोल रहा हूं किसी से कि अगर आप रतन टाटा है तो आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं कि आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं अगर आप रतन टाटा है तो ही, ये गलत है ना। जरूरी थोड़ी है कि मेरे को मर्सिडीज खरीदने के लिए रतन टाटा बनना पड़ेगा। भैया अंबानी खरीद सकते हैं, दुनिया में इतने सारे इलॉन साहब पड़े हैं, जेफ बेजोस पड़े हैं, काफी सारे अमीर लोग पड़े, वो खरीद सकते हैं। हाँ रतन टाटा खरीद सकते हैं मर्सिडीज, बिल्कुल सही है सर। सिर्फ रतन टाटा, अगर मैं आप मर्सिडीज खरीद रहे हैं तो आप रतन टाटा ही होंगे, कोई खरीदेंगे, ये गलत है। कुछ ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे लग गया। क्लियर है बेटा सवाल? यस सर। ठीक है जी। अब देखो एक बिट्स का सवाल देता हूं, बिट समझते हो? हाँ जी बिट्स पिलानी, कई सारे आईआईटी से भी टॉप रैंकिंग में आता है। इनफैक्ट बोला जाए तो इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में आता है, टीयर 1 कॉलेज है। देखो आईआईटी एनआईटी का हवा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटी और एनआईटी से टॉप कॉलेज इंडिया में नहीं है बेटा। आईआईटी बॉम्बे सेकंड रैंक पे आता है, आईआईएससी बेंगलोर टॉप पे आता है, लेकिन वो भी रैंकिंग लेता है सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 50 तक ही क्लोज कर देता है अपना एडमिशन। अगर आपको आईआईएससी बेंगलोर में जाना है तो आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आना पड़ेगा एडवांस में, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, वो होता है। सवाल दे दिया जाए बिट्स पिलानी। वैसे ही बिट्स पिलानी ये कॉलेज है जो मेंस के ध्यान में ना रखते हुए अपना एक खुद का एग्जाम कराता है। बोलता है कि देखो भैया अगर आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे कॉलेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो ही हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप मेंस में टॉपर होगे क्या हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। सवाल लीजिए और आपको समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट। पहले सवाल लिखो मेरे साथ, लेट ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 1 2 0, 6 माइनस 3 3, माइनस 5 3 1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू, अच्छा सवाल है, 2 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 6, 0 1 2 then find trace of a minus trace of b। सवाल लिखिए और शुरू हो जाइए, समय मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए 3 मिनट, बस 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। शुरू हो जाओ। देखते हैं कौन करता है। समय लीजिए, सोचिए, कर सकते हैं आप। हिंट अगर चाहिए तो बेटा एक आइडिया दे सकता हूं आपको कि ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी का कुछ वैल्यू रख दो। लेट्स से कि आपने एक्स रख दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना एनडीए का सवाल कराऊंगा, एक सवाल एनडीए का।
2005 में पूछा गया था बेटा। वो सवाल ऐसा था सवाल कि मैट्रिक्स के डेफिनेशन से सवाल पूछ दिया था एनडीए वाले ने, और लिखा इतना गंदा था ना उसको, मतलब इतना गंदे तरीका से प्रेजेंट किया था कि बच्चे बोले सर क्या टफ लेवल का सवाल किया इसने। बात वही है, इंग्लिश में लिख दिया बहुत बड़ा बड़ा चीज, और बाद में पता चला कि दाल चावल को बोल रहे थे सर ये चीज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं सब, वही हाल हो गया। करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, मैट्रिक्स के डेफिनेशन का सवाल था वही, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बोला ना वहां से पूछा था भाई लोगों ने, कराऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूं कि थोड़े मैट्रिक्स को अच्छे से सीखें क्योंकि फायदा देगा अल्टीमेटली। कितने बच्चे कर पाए सवाल को जल्दी बताइए, मैं सॉल्व करूं, गिव मी थम्स अप कर सर सकते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं थम्स अप दे सकते हैं कि सर आप कीजिए, बिल्कुल हम करेंगे जी। काफी खूबसूरत यार, करो ट्राई। अच्छा डिटरमिनेंट का आप लोगों को शीट मिल जाएगा ग्रुप में शाम तक, बी रेडी। डिटरमिनेंट का इनहैंसमेंट, अंशुमान सर स्वागत है आपका हमारी क्लास में, इतनी जल्दी आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, ऐसे ही जल्दी आए ताकि लोग आपसे इंस्पायर होकर और जल्दी आए। बहुत अच्छा काम करते हो आप, बिफोर टाइम क्या बात है। आप कितने मिनट पहले हो मालूम है आपको, 41 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, ये दिखाता है आप। 5 होगा इसका उत्तर, आंसर कितना आ रहा है बेटा, -5। -5 आंसर आ गया। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा, ठीक है रुक जाइए थम जाइए भाई, मैं कर देता हूं। आपसे एक चीज पूछ लेते हैं बेटा, आप पता नहीं इतने देर से क्या कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है सवाल को 3 4 बार लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर ये आपने मंत्र जो दिया है इसको 10 बार लिख लेंगे तो हमारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया सवाल को सॉल्व करना है, सवाल को 10 बार लिखना थोड़ी है, मंत्र थोड़ी दिया हूं मैं आपको। चलिए जी अंकिता आप बताओ बेटा, ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी कितना होगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी कितना होगा, मैट्रिक्स दिया है उसका फाइंड कर लीजिए। अरे देवा इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है, करो इस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड, कितना होगा अंकिता। कोई अंकिता नाम का बच्ची है ना इसमें, मैं उसी को बोल रहा हूँ। अंकिता बेटा माइक ऑन करो, सर मेरा आंसर 1 आ रहा है, ठीक है आ लीजिए उसको, माइक ऑन करके बताओ कितना आ रहा है। लग रहा है अंकिता फोन रख करके चली गई है, उसका फोन कोई और लेक्चर अटेंड कर रहा है। केशव तुम बताओ बेटा ए प्लस टू बी का कितना होगा। फिर -1। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि सर सवाल क्या है, तो देखो भैया हम हिंदी में ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस टू बी उसका ट्रेस बताओ, यही पूछ रहा हूं मैं। तो सर इसका ट्रेस क्या होगा बेटा, सम ऑफ डायगोनल्स। अब जो बच्चा सम नहीं निकाल पा रहा है, मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है बेटा, -1, तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी ये मेरा -1 आ रहा है, लेकिन मेरे को सर किसी ने प्रॉपर्टी बताया था कि ट्रेस सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी इज इक्वल टू -1। इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि सर ये ट्रेस ट्रेस बहुत गंदा दिख रहा है, तो लेट्स पुट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि खूबसूरती बढ़ जाए, मतलब हमारे सवालों में 4 चांद लग जाए, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, बाकी कोई सेंस नहीं बनता है। ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू वाई रख देते हैं,
तो मेरा सवाल थोड़ा खूबसूरत दिख जाएगा, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन। क्या है ना कि हमको नाइन्थ टेंथ से जो प्यार हुआ है ना बेटा, आज तक वो छुटा ही नहीं है, बचपन का प्यार है वो हमारा, इसलिए हम ट्राई करते हैं सर हमको लीनियर इक्वेशन मिल जाए। लो भैया, अब आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रेस ऑफ टू ए माइनस बी बताइए। बताइए बोलो बोलो थ्री। क्या मालूम कोई बच्चे बचपन में कर सर दो उंगली पर, दो उंगली एक माइनस तीन आया। ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो मैं इसको लिख रहा हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो तीन दिन लगेगा, सोच लेना, जब सोच लोगे तो मेरे को बताना। हाँ सर सोच लिया, सर सोच लिया, लग गया सर, सर सोच लिया। काशी जल्दी, आप बिल्कुल अंशुमान हो ना, कौन सा बच्चा आया था 41 मिनट पहले, कौन बच्चा आया था? लोग बिल्कुल अंशुमान जैसा सोचते हैं, इतना जल्दी क्या बात है? अंशुमन क्या कर रहा था, गूगल पे गया और सर्च मारा brain.exe, उसका फोल्डर डाउनलोड किया, फिर दिमाग डाउनलोड किया, फिर उसको याद आया, जैसे ही दिमाग डाउनलोड किया ना उसको याद आया सर क्लास था मेरा, फिर भाग के आया इधर क्लास ज्वाइन किया। सर चैट बॉक्स में लिखा है कुछ, कुछ बहाना मारा रहेगा कि सर थोड़ा लेट हो गया, सर सर इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, सिग्नल मिला नहीं तो सर हम लेट हो गए थोड़ा, सर जी काम था आज। कोई ना बेटा, होता रहता है। अच्छा अब मेरे से कोई बच्चा ये जिद नहीं करेगा कि सर x का वैल्यू आप बताओ, टू को y का वैल्यू टू बताओ, किसी महान बच्चे ने किया रहेगा तो बता दो x और y का वैल्यू। आई थिंक x का वैल्यू वन आता है, y का वैल्यू माइनस वन आता है, कैसे आता है? बस आ जाता है x का वन और y का वैल्यू माइनस वन। बेटा इन दोनों इक्वेशन को ना बहुत खूबसूरती से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा। सामने वाला पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी बताएं, मतलब एक्स माइनस वाई बताएं, वन माइनस माइनस वन दैट इज टू। अब आप लोगों का आंसर बेटा फाइव कैसे आ गया था? हां जी फाइव कैसे ला दिया आप लोगों ने? गलत आंसर है, किसी ने सही आंसर नहीं बताया, किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया। जरा हैंड रेस करिएगा, कोई बच्चा समझा है कि नहीं समझा है जरा पता कर लें। बताओ बेटा कितने लोगों को समझ में नहीं आया सवाल? ठीक है जेसिका, थैंक यू। और कोई बच्चा है बेटा जिसको समझ में नहीं आया? आप रोने वाला इमेज मेरे को सेंड कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आया तो, मेरे को और खुशी होगी। यू कैन सेंड मी क्राइंग इमोजी, सर आई एम नॉट गेटिंग यूर पॉइंट, कि सर ये सवाल कैसा था। हंसने के बजाय यहाँ पर रोने वाला इमोजी भेज देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को देख के रो रहे हैं। तो ये था बेटा बेट्स प्लानिंग का सवाल। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, तो जरा उन पे भी बात कर लिया जाए। जल्दी जल्दी बताए बेटा, देखो ये सारा चीज पढ़े हो, मेरा टारगेट बस यही है कि आपको रिकैप करा दूं, कि कल के दिन ये मत बोल दो कि सर आपने तो नहीं पढ़ाया ना, वो तो हमारे स्कूल के सर ने पढ़ाया था, स्कूल के सर जो पढ़ाए थे सर हम भूल जाते हैं, भैया हम भी पढ़ा देते। अरे भैया क्या हो गया आपको? हाँ जी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कितने लोग जानते हैं बताइए बेटा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? इसमें टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी सेम इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एलिमेंट सेम होते हैं। दो कंडीशंस होते हैं ना उसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेट टू बी सेम, said to be same if ये वाला if use कर रहा हूं कि if and only if, अगर ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा। First order should be same, order उनका same होना चाहिए। Second point बेटा corresponding elements, जो आप लोगों ने बताया इस तरह, इनके corresponding elements भी same होने चाहिए।
एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बिल्कुल सवाल को कर सकते हैं आप, शुड बी सेम। अच्छा, इसमें अगर सवाल थोड़ा खूबसूरत बनाना रहता है तो दुनिया वाले तीन तीन वेरिएबल का सवाल दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, बताओ भैया क्या होगा। अब दो दो मैट्रिक्स दे देंगे, बगल में एक मैट्रिक्स दे देंगे, आपको क्या करना होगा, बस उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करके सवाल सॉल्व करना है। बात समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए। yes, तो इसको मैं बिल्कुल भी मतलब ज्यादा इंफोसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को आता है तो छोड़ दिया जाए। लेट्स कम टू द अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले क्या सिखाया आप लोगों ने अलजेब्रा में? एडिशन करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहला सीखते हैं सर ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने के लिए बेटा कंडीशन क्या क्या होते हैं? ऑर्डर से कितना उर्दू लिख रहा है मेरे को लग रहा है ये। क्या हो गया भैया आपको? सज्जन को क्या तकलीफ है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बताइए कंडीशन क्या है बेटा लोग? सबसे पहला चीज कि एडिशन वैलिड तो ही होगा जब इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं वैलिड, सॉरी ओ भाई, वैलिड ओनली वेन, ऊपर ट्रेस में वही सिखाया कि ए प्लस बी को ऐड करके सी निकाल रहे हो, अगर सी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ही होंगे। वैलिड ओनली वेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। अच्छा, हाउ टू ऐड बेटा लोग, कैसे ऐड करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है? सामने सामने वाले एलिमेंट्स जैसे A11 एक का दूसरा। मैं ऐसा लिख सकता हूं वी प्रिफर टू ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बोलिए, यही है ना अपना? यस सर। हाउ टू ऐड? यस सर। ऐड बोलिए या सब्ट्रैक्ट बोलिए बेटा, दोनों के लिए सेम ही अप्लीकेबल होता है। हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी प्रिफर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इस पे सवाल बेटा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज, जरा उसको भी एक मिनट में खत्म कर देते हैं। बताइए बेटा लोग, ट्रांसपोज से आप लोग क्या समझते हैं? चेंजिंग रो, चेंज ऑफ कॉलम इनटू रो, वेरी गुड, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सर मल्टीप्लिकेशन गायब कर दिया आपने? अरे नहीं, रुको, तो जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ो। लिखा कैसे जाता है बेटा लोग? डिनोटेड बाय ए डैश, ए डैश या ए टी, टी टी लिख दिया मैंने, ए टी, ए ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज पे सवाल आता है भैया 2020-2022 जेई में, आप देख लो मिलेगा आपको। मैट्रिक्स से सवाल आता है, बोलना ही अपने आप में एक महानता का काम है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में करेंसी पे आपका फोटो हो जाए अगर आप पूछते हो कि सर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, नहीं हो जाएगा। इतना महान सवालों के लिए आपको महान पुरस्कार भी तो मिलेगा। एक एग्जांपल से जरा मुझे बताइए बेटा, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं जल्दी से। अच्छा, एक सवाल पूछ दूं आपसे, ट्रांसपोज डिफाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? नो सर।
जवाब आ गया, मिक्सिंग वाला जवाब था, और कोई बता दो कि सर अगर मुझे ट्रांसपोज लेता हूं तो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, सही है कि गलत है? फॉल्स। सही है ना, सो आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। ये देखो इनका, अब ट्रांसपोज पे और सवाल कराए जाएंगे, बस आज मैं इंट्रोडक्शन देके छोड़ दे रहा हूं। वी कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, होता क्या है जरा एग्जांपल से समझिए कि सर ट्रांसपोज में बेसिकली होता क्या है ये बताओ। तो बेटा लो एक एग्जांपल के लिए, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग 2x3 का। मान लीजिए मैट्रिक्स है आपका 2, अरे भैया बन जाओ यार, 1, 0, 2, 0, 3, 4। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा? दो ऑर्डर जीरो टू कॉलम्स। अब ये मैट्रिक्स मेरा ए है, लेट से कि मैं इसका ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, बताइए बेटा लोग क्या बन जाएगा? 1, 2, 0, 0, 4। अब जो दिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एलिमेंट का पोजीशन ए 1, 1 है कि नहीं? यस सर। ये एलिमेंट का पोजीशन ए 1, 2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes. ये ए 2, 1 है? अरे यार ये भी मान लेते, इसको कट करके सही फिर से चालू करते हैं, वो शायद सही हो जाएगा। ये वाला बेटा ए 2, 1 है, ये 2, 2 है, ए 3, 1 है, ए 3, 2 है। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये बेटा 1 जो था ए 1, 1 ही रहा, लेकिन अगर 2 जो था वो ए 2, 1 था, लेकिन अब की बार वो ए 1, 2 हो गया। बात समझते हो? देखिए जो 2 मेरा ए 2, 1 था, अब वो मेरा ए 1, 2 हो गया। जो मेरा 3 फर्स्ट वाले में ए 3, 1 था, ट्रांसपोज निकालने के बाद वो क्या बन रहा है बेटा लोग? ए 1, 3 बन रहा है। मेरे पॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बहुत खूब। ये क्या बन रहा है बेटा लोग? ए 2, 1, जिसमें 0 पहले वाले मैट्रिक्स ए 1, 2 था, ए 2, 2 और ए 2, 3। अब मैं कंक्लूड करके दूं तो सर ट्रांसपोज में हो क्या रहा है ये बताओ। तो बेटा ट्रांसपोज में जो हो रहा है, आज बस यही ज्ञान लेकर के जाएंगे सभी बच्चे घर, कि अगर मेरा एक मैट्रिक्स है ए आई जे, एक मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर अगर लेट से कि बेटा एम क्रॉस एन का है, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज, उसके एलिमेंट्स जो ए आई जे पहले वाले थे, अब वो ए जे आई दिख जाएंगे और इनका ऑर्डर बेटा एन क्रॉस एम का हो जाए। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। समझ गए सर। समझ। और मैंने एग्जांपल करके दिखाया कि देखो बेटा ए 3, 1 यहाँ पे 3 था, तो 3 वहां पे ए 3, 1 बन रहा है, ए 1, 3 बन रहा है, मतलब जो ए आई जे था अब वो ए जे आई बन रहा है। ऑर्डर भी देख सकते हैं बेटा, इसका ऑर्डर 3/2 था, सामने वाले का ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है सर? 2 रो कॉलम। एम क्रॉस एन था, वो एन क्रॉस एम बन रहा है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रांसपोज मैथमेटिकली। अब बोलने को तो लोग बोल देते हैं ट्रांसपोज का मतलब सर वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, एंड एक डाउट और होना चाहिए बेटा, क्लियर होना चाहिए कि वी कैन फाइंड ट्रांसपोज ऑफ एनी ऑर्डर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं कि हम जिसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, भैया उसका तो फाइंड कर सकते हैं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है हम उसका भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं।
तो आने वाले लेक्चर में बेटा शुरू करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट से, इनके ऊपर आने वाले सवालों के साथ शुरू करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सर मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्या? यस, जब मल्टीप्लीकेशन और ट्रांसपोज मिलते हैं तो खूबसूरत सम का निर्माण करते हैं, अच्छा सम क्रिएट हो जाता है वहां से। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।